बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर हिरासत होने की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को तबीयत नासाज होने पर हॉस्पिटल लाया गया था। अस्पताल जराए के मुताबिक यास्मीन राशिद की ECG और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए हैं। तो दूसरी जानिब CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना और लेडी पुलिस की नफरी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँच गई। CCPO ने डॉक्टर से मालूम ली है और डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हतमी राय दे सकते हैं कि यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं। यास्मीन राशिद को नजरबंदी खत्म होने के बाद कोट लखपत जेल से हॉस्पिटल लाया गया था। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शुएब अहमद शेख की जबानी से। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।